आइए, आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं सिर्फ के लिए दो लाइन की स्वेटर डिजाइन लेके हैं। इस डिजाइन को कैप में डाले, बॉर्डर में डाले, पूरी स्वेटर बनाए, कुछ भी बना सकते हैं इस डिजाइन से, जेंट्स, लेडीज, बच्चे, किसी के लिए भी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे देखिए, जो डिजाइन बनाना है आपको, उसके लिए हमें सात के गुने में फंदे लेने, सात सात इस तरह से करते जाना। लास्ट में आपको चार फंदा एक्स्ट्रा ले लेना, ठीक है। सेवन के मल्टीपल से हम यहाँ पे फंदे डालेंगे, फोर फंदा एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए देखिए, सात दुनी चौदह और चार हमने एक्स्ट्रा ले लिया, टोटल यहाँ पे अठारह फंदे डाल के रखे हुए। अठारह फंदे डालने के बाद डिजाइन हमारी उल्टी साइड से शुरू होगी। फंदे डालने के बाद सीधी हमारी इधर उल्टी दिखती है और इधर की लाइन देखती है सीधी दिखती है, ठीक है। तो उल्टे साइड से डिजाइन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला फंदा उतार लें या फिर आप इसे बुन लें, ठीक है। इस तरह से पहला फंदा हम यहाँ पे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये दो, ये सात फंदों का ही डिजाइन है। दो फंदा हमने सीधा बनाया, धागा अपनी ओर करेंगे। ये फंदा है पहला फंदा को छोड़ते हुए, ठीक है। दो फंदा सीधा बनाए, तीसरे फंदे को हम यहाँ पे दो बार धागा लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। अब यहां से तीन फंदे नॉर्मल हम उल्टा बुनेंगे, जैसे उल्टा बुनते हैं, एक दो और ये तीन। चौथा फंदा जो आएगा उसे हमें फिर से दो बार धागा लपेटते हुए उल्टा बनाना, एक और ये दो। अब देखिए, पहला फंदा को छोड़ते हुए इस फंदे से लेके यहाँ तक हमारे सात फंदों का डिजाइन है। इसी को बार बार रिपीट करना है आपको। दो फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा आगे करते हुए उल्टा बनाया, लेकिन दो बार धागा लपेटते हमने एक फंदा उल्टा बनाया, ठीक है। फिर नॉर्मल एक दो तीन फंदे उल्टे बनाए, फिर ये वाले फंदे को जो सातवां नंबर का फंदा, इसे हमने दो बार धागा लपेटते हुए उल्टा बुना है, ठीक है। और फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, धागा पीछे करें, दो फंदे पहले सीधे बनाएंगे, एक और ये दो। आप इसे सिंगल फंदे या डबल फंदे किसी से भी बना सकते हैं। अब धागा आगे करेंगे, दो फंदे हमने सीधे बनाए, तीसरे फंदे को दो बार धागा लपेटते हुए उल्टा बनाएंगे। अब अगले तीन फंदा हम नॉर्मल उल्टा बुनेंगे, एक दो और ये तीन। उसका अगला फंदा जो चौथा वाला होगा, उसे हमें दो बार धागा लपेटते हुए उल्टा बनाना है। एक बार और दो बार उल्टा बुन लिया। लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे। देखिए, यहां से यहां तक हमारी फिर से एक डिजाइन कंप्लीट हो गई। एक पहला फंदा को छोड़ते हुए एक दो तीन चार पांच छह सात, एक डिजाइन। फिर दो फंदा सीधा, एक फंदे को हमने दो बार धागा लपेटते हुए उल्टा बनाया, तीन फंदे हमने नॉर्मल उल्टा बनाया, फिर से हमने एक फंदे को दो बार धागा लपेटते हुए उल्टा बनाया। तो दो डिजाइन कम्प्लीट हो गई। धागा पीछे करेंगे, दो फंदा यहाँ पे हम सीधा बना लेंगे, एक और ये दो। लास्ट का फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी ओर कर ले, इसे उल्टा बना ले, ठीक है। पहली लाइन डिजाइन की हमारी कंप्लीट होती है। दूसरी लाइन देखिए किस तरह से, यहाँ पे दो फंदे आपको उल्टे दिखेंगे और पहला फंदा आपको सीधा, तो इसे हम सीधा उतार लेंगे इस तरह से, धागा अपनी ओर करेंगे, जो उल्टा फंदा उसे हम उल्टा बना लेंगे। बस दो ही लाइन की डिजाइन है, ध्यान से देखिएगा। एक फंदा हमने उल्टा बनाया, ये दूसरा फंदा उल्टा बनाया। अब धागा पीछे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पांच फंदे हैं हमारे, ये एक दो तीन चार पांच। तीन फंदे हमारे नॉर्मल हमारे उल्टे हैं और दो फंदों में हमने यहाँ धागा लपेटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये धागा लपेटा हुआ फंदा, इसे हम खोलेंगे, ठीक है। इस तरह से खोला हमने, इसे छोड़ देंगे। पीछे का फंदा जो अब ये इस साइड से आपको सीधा दिखेगा, इस वाले फंदे को हम आगे ले आएंगे और ये जो डबल धागा वाला फंदा, इसे हम पीछे लेके चले जाएंगे इस तरह से। अब इस फंदे को भी इस सिलाई पे चढ़ा लेंगे। अब इन दोनों फंदों को हमें सीधा बनाना है, एक, और ये जो डबल धागा वाला फंदा था लंबा सा, इसे हमें पीछे साइड से सीधा बनाना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे तीन फंदे बच गए। तीन फंदों में से जो बीच का फंदा, इसे हमें उल्टा बनाना है। ये उल्टा बन गया, और फिर से धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सीधा फंदा रह गया और एक डबल धागा वाला सीधा फंदा। अब जो ये वाला फंदा है, इसे पीछे ले जाएंगे और डबल धागे वाले फंदे को आगे लाएंगे। तो सबसे पहले इसे खोलेंगे, पीछे वाला फंदा
पीछे लेके चले जाएंगे और फिर जो ये पीछे वाला फंदा है ये वाला डबल धागा वाला इसे हम इस तरह से खोलेंगे और इसे आगे ले आएंगे ऐसे। अब ये डबल धागा वाला फंदा को हम पहले सीधा बनाएंगे फिर इस वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। बस यही डिजाइन बार बार आपको रिपीट करना है। देखिए दो फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बनाया, ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर डबल था, एक फंदा हमने नॉर्मल बनाया फिर डबल वाले फंदे को हमने पीछे ले जाते हुए बनाया फिर यहाँ पे इसे हमने खोला फिर इसे भी हमने देखिए एक फंदा उल्टा बनाया सॉरी, और फिर यहाँ पे डबल धागे को खोल के हुए हमने फिर एक हमने सीधा बनाया और इसे भी सीधा बनाया हुआ। अब धागा अपनी ओर करेंगे, लास्ट में आपके यहाँ पे देखिए दो फंदे आपके सीधे दिखेंगे, सॉरी एक और ये दो उल्टा दिखेगा, सॉरी ये दो फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे है। देखिए अब यहाँ पे देखिए पांच फंदे हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांचों फंदे आपके सीधे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला फंदा सेकंड वाला फंदा आगे ले आएंगे और ये वाला फंदा पीछे लेके चले जाएंगे। इस तरह से लिया हमने, इस वाले फंदे को खोल ले पहले, इस तरह से खोल लिया डबल वाले धागे को। अब इस वाले फंदे को आगे लाएंगे और आगे वाला फंदा पीछे लेके चले जाएंगे, इस तरह से वापस से चढ़ा लेंगे, इसे सीधा बनाएंगे एक, और इस वाले फंदे को हम पीछे साइड से सीधा बनाएंगे दो। आपके बच गए तीन फंदे, तीन फंदों में से बीच का फंदा हमें उल्टा बनाना है। धागा आगे करेंगे, इस वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे लेके चले जाएंगे, फिर देखिए ये वाला फंदा आ गया, ठीक है। तो इस वाले फंदे को ये वाला जो है पहला फंदा इसे पीछे लेके जाना है, पीछे वाला फंदा आगे लाएंगे। तो किस तरह से इसे खोलेंगे, पीछे लेके जाना है, इस वाले फंदे को आगे ले आएंगे और इसे हमें आगे साइड से सीधा बनाना है, ठीक है। और इस वाले फंदे को सीधा बना लेंगे, लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे। धागा आगे करते हुए दो फंदों को हम उल्टा बनाएंगे एक और ये दो, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। ये हमारी चोटी जैसे डिजाइन बनती हुई आएगी, देखिए अभी दिख रही है डिजाइन। तो चलिए एक बार और दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ साफ दिखा देगा आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। देखिए अब यहाँ पे दो फंदे को हम सीधा बनाएंगे एक दो, धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ पांच फंदों में से सबसे पहला फंदा को हम यहाँ पे दो बार धागा लपेटते बनाएंगे एक और दो उल्टा बनाया, तीन फंदे नॉर्मल उल्टा बनाएंगे एक दो और ये तीन, ठीक है। उसके अगले फंदे को फिर से हम दो बार धागा लपेटते बनाएंगे एक और ये दो। इन सात फंदों का ही डिजाइन है, देखिए पहला फंदा छोटे, दो फंदे हमारे उल्टे हैं सीधे हैं, फिर एक दो, एक फंदा को हमने दो बार धागा लपेटते उल्टा बनाया, फिर एक दो तीन फंदे हमने नॉर्मल उल्टा बनाया, इस वाले फंदे को फिर से दो बार धागा लपेटते हुए उल्टा बनाया हमने। फिर से देखिए यहाँ पे हम धागा पीछे करेंगे दूसरे डिजाइन के लिए, दो फंदे को हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे एक और ये दो, और धागा अपनी ओर करेंगे, इस वाले फंदे को दो बार धागा लपेटते हुए बनाएंगे उल्टा, फिर नॉर्मल तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो और ये तीन, फिर इसके अगले वाले फंदे को फिर से हम दो बार धागा लपेटते हुए उल्टा बनाएंगे। लास्ट में आपके तीन फंदे रहेंगे, धागा पीछे करते हुए दो फंदे को सीधा बनाना है आपको एक दो, धागा अपनी ओर करते हुए लास्ट वाला फंदा उल्टा बना लेना है, ठीक है। ये पहली रो हमारी स्टार्ट हुई उल्टे साइड से, सीधे साइड से फिर से देख लीजिए डिजाइन एक बार और। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, शुरुआत के दो फंदे आपके उल्टे दिखेंगे, इसे उल्टा बनाना है एक और ये दो, धागा पीछे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पांच फंदे आपको सीधे दिखेंगे, तीन फंदे आपके नॉर्मल सीधा है और दो फंदे में हमारा धागा लपेटा हुआ, ठीक है। तो अब ये देखिए ये वाला फंदा जो दिख रहा है, धागा लपेटने के बाद ये सेकंड वाला फंदा हम आगे लाएंगे, इस तरह से पीछे साइड से आगे लेके आए, इस सिलाई से सीधे हाथ के सिलाई से लेंगे, इस वाले फंदे को खोलेंगे, इसे पीछे लेके चले जाएंगे, वापस से फंदा सिलाई पे चढ़ाना है और दोनों फंदों को सीधा बना लेना है। एक फंदा सीधा बनाया, इस वाले फंदे को जो हमने खोला इसे हमें पीछे साइड से सीधा बनाना है। धागा आगे करेंगे, इनमें से देखते हैं फंदे बच गए हमारे एक दो तीन, इस वाले फंदे को हम एक फंदा को उल्टा बना लेंगे, पांच फंदों में से जो बीच का फंदा उसे हमें उल्टा बनाना है। धागा पीछे करेंगे, अब दो फंदे बच गए, अब ये वाला फंदा पीछे लेके जाएंगे और जो ये वाला डबल वाला धागा है इसे हम आगे लेके आएंगे, इस तरह से ले लिया हमने पीछे का।
ऐसे किया, पीछे वाला लंबा वाला धागा जो है इसे हम आगे ले आएंगे, इसे इस तरह से सीधा बनाएंगे और फिर इसे भी सीधा बना लेंगे। यहाँ पे हमारी एक डिजाइन कंप्लीट होती है, ठीक है। धागा अपनी ओर करेंगे, फिर से दो फंदे आपके देखिए बीच में उल्टे दिखेंगे, इसे उल्टा बनाना है, एक और ये दो धागा पीछे, देखिए अब यहाँ पांच फंदे आपको सीधे दिखेंगे, एक दो तीन चार पांच, तीन फंदे नॉर्मल है, दो फंदों में धागा लपेटा हुआ है। सेकंड वाला फंदा आगे लाना इस तरह से, और आगे वाला फंदा जो डबल धागा वाला, इसे खोलते हुए पीछे लेके चले जाएंगे, वापस से सिलाई पे चढ़ाएंगे, दोनों फंदों को सीधा बना लेना है। तीसरा नंबर वाला जो फंदा है, इसे धागा आगे करते हुए इसे हमें उल्टा बना लेना है, धागा पीछे करेंगे, फिर से दो फंदे आपके बच गए। तो ये जो पहला वाला है ये हमारा, यानी फोर्थ नंबर वाला, जो चार नंबर वाला हमारा जो फंदा है इसे हम पीछे लेके चले जाएंगे, ठीक है। पांचवा नंबर वाला फंदा आगे लेके आ जाएंगे, ऐसे लिया, अब इस वाले फंदे को खोलेंगे इस तरह से, यहाँ इस तरह से सीधा बनाएंगे, इस वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे। लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे, इसमें से दो फंदे आपके उल्टे आएंगे, एक दो, लास्ट का फंदा सीधा आएगा। तो कुछ इस तरह से हमारी चोटी वाली डिजाइन बनती हुई जाएगी। देखिए थोड़ा सा येलो कलर में भी बना हुआ है, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए बहुत ही प्यारी डिजाइन लगती है, उल्टे साइड से कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, देखिए, और सीधी साइड से इस तरह से चोटी बनी हुई रहेगी। देखिए तो उम्मीद करती हूँ कि आज का डिजाइन आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।